सपोजिंगली आप किसी मार्केट में जा रहे हैं कोई भी एक रेफ्रिजरेटर को लेने, तो देखिए दोस्तों पहला दुकानदार आपको आके ये चीज बोलेगा, सर आई थिंक यू शुड कंसिडर सैमसंग बिकॉज ये काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। दूसरा दुकानदार आपको आके ये चीज बोलेगा, सर एलजी का ले लो बहुत बढ़िया कूलिंग करता है। तीसरा दुकानदार आपको आके ये चीज बोलेगा, सर हायर का ले लो ना सर, क्या बढ़िया कमाल के फीचर्स है सर। लेकिन देखिए दोस्तों आपने ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं ये आपको वही प्रोडक्ट शेप देंगे जिस पे उनको सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, और ऐसे में दोस्तों आप अपने लिए एक गलत परचेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया बिना स्किप किए, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि आप दोस्तों रेफ्रिजरेटर लेने के एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं कोच स्टील। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में रखा है दोस्तों मैंने एक परफेक्ट और प्रिसाइज बाइंग गाइड, बताऊंगा जल्दी से ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं कोई भी एक रेफ्रिजरेटर को लेने से पहले। इतना ही दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं मेरे चुने हुए टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो कि इस टाइम पे इनकी मार्केट में अवेलेबल है, और मैं दोस्तों उनको टोटली हमारे बजट सेक्शन के अंदर रखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 से लेकर 30,000 रुपए के अंदर अंदर ही रखा है। दोस्तों आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आप अपने लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ एक बढ़िया सा रेफ्रिजरेटर भी ले सकेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बढ़ते हैं बाइंग गाइड सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने बिल्कुल ही याद रखा है दोस्तों वो हो गया आपकी ICR रेटिंग। ICR रेटिंग यानी कि इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। देखिए दोस्तों ये जो ICR रेटिंग होती है मेरे हिसाब से टोटली एक मार्केटिंग गिमिक है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एग्जैक्ट ICR रेटिंग नहीं बताएगी, बी इट रेफ्रिजरेटर और AC। फिलहाल हम बात करें रेफ्रिजरेटर्स की, तो देखिए दोस्तों कंपनीज क्या करती हैं, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उसको 25% 50% एफिशिएंसी पे यूज करती है, यानी कि उसके टेस्टिंग कंडीशंस पे जब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज किया जाता है तो दोस्तों वही रेटिंग आपको ICR रेटिंग बता दी जाती है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा होगा कंपनी दावा करती है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है पूरे साल में सिर्फ 200-250 यूनिट्स लेगा, लेकिन आप खुद जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी बिजली का बिल भी काफी अच्छा आता है, रेफ्रिजरेटर भी बहुत अच्छी पावर कंज्यूम करता है और कई ज्यादा यूज करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, और आपका बिल दोस्तों आप खुद जानते ही हैं, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में। तो देखिए दोस्तों ICR रेटिंग मेरे हिसाब से टोटली एक मार्केटिंग गिमिक है, और अगर आप बढ़िया सा रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो कभी भी आपने ICR रेटिंग के मार्केटिंग गिमिक में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर दोस्तों आपकी 50% बिजली बचा देता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है। याद रखिए इन्वर्टर कंप्रेसर हद तो हद आई एम सेइंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% या फिर 35% आपकी बिजली के बिल को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन 50% ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर लेना है। कंप्रेशन कंडेंसेशन एवेपोरेशन दोस्तों आपने ये चीज तो 6th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन कौन से रेफ्रिजरेटर में ये चीज अच्छी हो रही है, टॉप माउंट फ्रीजर वाले में या फिर बॉटम माउंट फ्रीजर वाले में? दोस्तों तो आपको बता दूं कि ये तीनों चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं आपके टॉप माउंट फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर में। याद रखिए दोस्तों जितने भी आपके बॉटम माउंट फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी कि थोड़ी सी पावर कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, और थोड़ा सा आपका बिजली का बिल यहाँ पे ज्यादा आता है। तो देखिए दोस्तों ये भी टोटली आपकी चॉइस है कि आपको टॉप माउंट फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए या फिर बॉटम माउंट फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि उनको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए या फिर नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। तो देखिए दोस्तों अगर आपका जो काम है सिर्फ और सिर्फ फ्रिज का है, आप फ्रीजर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऑफ करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं कन्वर्टेबल। अगर आप सिर्फ फ्रीजर का काम करना चाहते हैं, फ्रिज को ऑफ करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं कन्वर्टेबल। वेरास अगर आपको जो फ्रिज की जगह है थोड़ी सी कम लग रही है, आप फ्रीजर को भी फ्रिज बनाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं कन्वर्टेबल। वेरास अगर आपकी इन तीनों में से कोई एज सच नीड नहीं है, देन आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरफ जाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए जितने भी आपके कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं आपके नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से। देखिए दोस्तों याद रखिए ये भी टोटली आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर चाहिए या फिर नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर चाहिए। बेहद 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 इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों वो होती है आपकी वारंटी। इतना सारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, दैट टू रेफ्रिजरेटर, तो दोस्तों वारंटी मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक साल की देने को मिल जाएगी, लेकिन जो कंप्रेसर था दोस्तों उस पर आपको अच्छी खासी वारंटी देने को मिलनी ही चाहिए। दोस्तों इस फीचर को भी आप डेफिनेटली और हमेशा याद रखेंगे कोई भी एक रेफ्रिजरेटर को लेने से पहले। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जिसका
का आप सभी को इंतजार था। सो एट फिफ्थ पोजीशन वी हैव हायर इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर। इसका प्राइस आपको करीब करीब 24,400 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो पूरा रेफ्रिजरेटर है इसकी कैपेसिटी आपको 258 लीटर की देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इस पूरे रेफ्रिजरेटर की स्टोरेज वॉल्यूम है यानी कि जो नेट कैपेसिटी है वो आपको 235 लीटर की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फ्रिज की कैपेसिटी आपको 190 लीटर एंड फ्रीजर की कैपेसिटी आपको 68 लीटर की देखने को मिल जाएगी। ये पूरा रेफ्रिजरेटर ट्विन इनवर्टर टेक्नोलॉजी पे रन करता है। याद रखिए दोस्तों कि ये एक 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है। ताइम दोस्तों इसके अंदर आपको काफी अच्छी PUF इंसुलेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, PUF इंसुलेशन कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जो आपकी फ्रिज के बाहर गर्म हवा होती है वो आपके फ्रिज में नहीं आएगी और जो आपके फ्रिज के बाहर जो अंदर ठंडी हवा होती है ज्यादा बाहर नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत सा नॉर्मल सा फीचर है, लेकिन हायर ने इसको इतना हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इस प्राइस रेंज के दोस्तों जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर PUF इंसुलेशन मिल रहा है वो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू दी अदर रेफ्रिजरेटर्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। याद रखिए दोस्तों कि आपको इसके अंदर एंटी फंगल गैस बास्केट भी देने को मिल जाएगा जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। इतना ही नहीं, इस पूरे रेफ्रिजरेटर की दोस्तों जो वेजिटेबल बास्केट है वो भी आपको काफी बड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर 182 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको हायर की तरफ से 1 साल पूरे प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल कंप्रेसर एंड फैन मोटर के ऊपर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो पूरा रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर आपको काफी अच्छा कस्टमर सर्विस सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये आपके जो पूरे रूम में काफी अच्छे एस्थेटिक को भी ऐड कर सकता है। दोस्तों ये आपके लिए काफी अच्छी चॉइस बन सकता है। याद रखिए सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी सी वैल्यू या इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलती है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज याद रखिए कि अगर आपको माय लिस्ट में कोई भी रेफ्रिजरेटर पसंद आता है आप उसको सिंपली बाय भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको सभी के बेस्ट बाइंग लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो पहली बात तो आपका प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि दोस्तों आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखिए, हम आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से ही चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। सो एट फोर्थ पोजीशन वी हैव गोदरेज इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। इसका प्राइस आपको करीब करीब 26,000 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है वो आपको 265 लीटर की देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी नेट कैपेसिटी यानी कि जो स्टोरेज वॉल्यूम है वो आपको 243 लीटर का देखने को मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको 203 लीटर की आपको फ्रिज की कैपेसिटी, 62 लीटर की आपको फ्रीजर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो पूरा रेफ्रिजरेटर है ये एक मल्टी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर रन करता है, यानी कि इसके अंदर अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साथ इन्वर्टर फैन मोटर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये एक 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये फ्रिज अपने आप गेस करता है बाहर का वेदर और उस हिसाब से अपनी कूलिंग और टेम्परेचर को इनसाइड पे मेंटेन रखता है। दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटो डिफ्रोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कूल शार टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, यानी कि जो ठंडी हवा है 2400 घंटे आपके फ्रिज के अंदर घूमती ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको गोदरेज की तरफ से ये बोला जाता है कि जो पूरा रेफ्रिजरेटर है 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। वेरास मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों गोदरेज की तरफ से आने वाली वारंटी की, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल और कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस पूरे रेफ्रिजरेटर का जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत पसंद आई। इनफैक्ट यहाँ पे इस प्राइस रेंज की जो इसकी कैपेसिटी दोस्तों वो भी बहुत अमेजिंग लगी मुझे, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। स्लॉट नंबर 3 पोजीशन वी हैव व्हर्लपूल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। इसका प्राइस आपको करीब करीब अराउंड एंड अराउंड 26,500 रुपीस के आसपास को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो पूरा रेफ्रिजरेटर है यहां पे आपको बता दूं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको 265 लीटर की देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी नेट कैपेसिटी है दोस्तों वो आपको 239 लीटर की देखने को मिल जाएगी। 184 लीटर आपको फ्रिज की कैपेसिटी एंड 75 लीटर आपको फ्रीजर की कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहां पे आपको इंटेलिजेंस इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करने वाले हैं। एक चीज और याद रखिए दोस्तों कि ये एक 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है,
और अब बात करते हैं वापस इसके AI इंटेलिजेंस की। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इंटरनल लोड आ रहा है साथ ही साथ वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्लस यहाँ पे दोस्तों जो आपका यूसेज पैटर्न है, इन सभी को ये अडॉप्ट करता है और साथ ही साथ उस हिसाब से अपने कूलिंग एंड टेम्परेचर को दोस्तों ये पूरा जो रेफ्रिजरेटर है मेंटेन रखता है। यहाँ पे आपको हनीकॉम मॉइस्चर लॉक क्रिस्पर कवर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ उसके देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको फ्रेशोनाइजर भी, जो कि आपकी सब्जियां और जितने भी आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन को कम करता है और साथ ही साथ दोस्तों उनकी फ्रेशनेस को बरकरार भी रखता है। यहाँ पे दोस्तों वर्लपूल कहता है कि आपको इस रेफ्रिजरेटर की जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 190 यूनिट्स देखने को मिल जाएगी एवरी ईयर, और वर्लपूल की तरफ से दोस्तों इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक साल और कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये पूरा रेफ्रिजरेटर है बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ दोस्तों के फंक्शन मुझे बहुत अमेजिंग भी लगते हैं, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी नेट कैपेसिटी है वो आपको 234 लीटर की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 181 लीटर आपको फ्रिज की कैपेसिटी एंड 53 लीटर आपको फ्रीजर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो पूरा रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ देखने को मिल जाएंगे, और दोस्तों जो पूरा रेफ्रिजरेटर है ये इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। दोस्तों इसके अंदर आपको डीओ ड्राइव देखने को मिल जाएगा, तो कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल या फिर आपकी कोई सब्जी बनी है उसकी स्मेल आपके पूरे फ्रिज के अंदर नहीं आने वाली है। एक और चीज याद रखिए दोस्तों, जो कमाल का पीछे मुझे लगता है वो ये है कि आपको इस फ्रिज के बाहर ही एक डिजिटल डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा, जिसको आप टोटली अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, वो देखने में दोस्तों बहुत सुंदर भी लगता है। एक और चीज याद रखिए दोस्तों कि अगर आपके घर में सोलर प्लांट है तो दोस्तों जो पूरा रेफ्रिजरेटर है ये सोलर कंपैटिबल भी है, विच इज जस्ट अमेजिंग। और दोस्तों सैमसंग कहता है कि आपको जो पूरा रेफ्रिजरेटर है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपको 193 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा एवरी ईयर। प्लस दोस्तों सैमसंग कहता है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर एक साल और साथ ही साथ इसके कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों कमाल की चीज मुझे ये लगती है सैमसंग के प्रोडक्ट्स के अंदर, जो इनकी कस्टमर सर्विस सपोर्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। प्लस यहाँ पे दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर भी मुझे बहुत पसंद आया, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत गजब की है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन वी हैव LG कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। इसका प्राइस आपको करीब करीब 25,300 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों इस पूरे रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है वो आपको 260 लीटर की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो इसकी नेट कैपेसिटी है वो आपको 250 लीटर की देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों जो इसकी फ्रिज की कैपेसिटी है वो आपको 185 लीटर और फ्रीजर की कैपेसिटी आपको 75 लीटर की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों इस पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर आप जानते हैं जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं दोस्तों बैक साइड से अच्छी कूलिंग करते हैं लेकिन डोर साइड से इतनी अच्छी कूलिंग नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको LG के रेफ्रिजरेटर में डोर कूलिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि जो आपका एयर फ्लो है पूरा अच्छे से मेंटेन रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आपको फ्रंट साइड में भी बहुत अच्छा एक एयर फ्लो मिलेगा, दैट टू वेरी कूल। प्लस यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आप स्मार्ट डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके रेफ्रिजरेटर में आती है आप सिंपली उसको डायग्नोस कर सकते हैं अपने स्मार्ट LG ऐप के थ्रू, आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर दोस्तों आपको ये जो रेफ्रिजरेटर है ये एंटी बैक्टीरियल गैस किट के साथ साथ इसके अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको मॉइस्ट एंड फ्रेश स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप टोटली अपने हिसाब से अपनी सब्जियों को वेजिटेबल्स को दोस्तों टोटली अपने फ्रेश फ्रूट्स वगैरह को अपने हिसाब से मॉइस्ट एंड फ्रेश रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे दोस्तों कमाल की चीज ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये इन्वर्टर एंड सोलर कंपैटिबल भी है, विच इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। प्लस दोस्तों LG कहता है जो रेफ्रिजरेटर है ये अराउंड 198 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर, और दोस्तों LG की तरफ से आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर एक साल और उसके कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस रेंज के अंदर इतने सारे फीचर्स मिलना इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के माय टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000, अंडर 15,000, अंडर 10,000 ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो ऐसे हमारी बहुत हेल्प भी हो जाती है। चलिए मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।